राधे राधे दोस्तों, देखिए आज हम लड्डू गोपाल की ये कलर की ड्रेस बनाने जा रहे हैं, जो बनाने में बहुत आसान है। बेस आपको मैंने पहले सिखा रखा है, तो इस तरीके से 12 इंच का हमने गोल घेरे का बेस हमने बना लिया है। इसके बाद हमने येलो और रेड, नहीं कॉम्बिनेशन तो और भी आएगा, लेकिन सबसे पहले हम येलो और रेड का तैयारी कर रखी है। फ्लावर इस तरीके से कटिंग कर करके रख लिए हैं ये टुकड़ों में, और अब ये है येलो कलर। इस येलो कलर को इस तरीके से फोल्ड कर लेता है, फोर फोल्ड करके हम इस तरीके से यहाँ लगा लेते हैं, क्योंकि ये ड्रेस पेस्टिंग पे भी बन सकती है, लेकिन हम ये सिलाई पे बना रहे हैं। सिलाई पे बनाने का ये बेनिफिट होता है, पेस्टिंग वाली को हम धो नहीं सकते, लेकिन अगर आप ये वाली ड्रेस डेली वेयर में बनाना चाहते हैं तो आप इस पर इस तरीके से सिलाई पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले पंख एक और सिखाई थी, वो भी पत्तियों की थी, तो वो पेस्टिंग की थी, जिसे आप धो नहीं सकते। डेली वेयर में तो पहना सकते हैं लेकिन आप धो नहीं सकते, लेकिन ये वाली जो है इसे आप पेस्टिंग नहीं करेंगे, सिलाई करेंगे, जिससे कि आप अगर चाहें तो धो भी सकते हैं। ये सेकंड लाइन हमने रेड कलर की ली है, और जिस तरीके से हमने पहले येलो वाली लगाई है उसी तरीके से ये हम रेड वाली लाइन लगाएंगे। देखिए मेरी रेड लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने ये ली है पीच और फिर लेंगे पिंक। ये पीच कलर की है, यानी कि लाइट ऑरेंज कलर की है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे भी सिलाई पे लगाया। 6 नंबर की हमने ड्रेस बनाई है, तो हमने 6 लाइन ली है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। इसके बीच में हम गैप रख सकते हैं, तो ये 5 लाइन में भी कंप्लीट हो सकती थी, लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा कलर लेने की कोशिश की है। ये पीच कलर हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लेंगे बेबी पिंक। ड्रेस आप लोगों को कैसे लगी बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। ये देखिए ये इस तरीके से हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये अब हमारी फोर्थ लाइन चल रही है। इसके बाद हमने वाइट की ली है, वाइट को भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये हमारी अब फिफ्थ लाइन स्टार्ट हुई है, तो फिफ्थ लाइन के लिए भी हमने वाइट कलर यूज़ किया है। सब में ही फोर फोल्ड लगेगा, जिससे कि ड्रेस ना फुली फुली नज़र आती है, जो मैं आपको बाद में शो करूँगी। देखिए ये फिफ्थ लाइन भी कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद अभी एक लाइन हमारी बाकी है, तो हमने इसमें रिपीट किया है येलो कलर, क्योंकि कम लग रहा था लेकिन हमने इसमें रिपीट कर दिया, जिससे लाइट के साथ डार्क अच्छा लगता, हमने इसे भी यूज़ किया है। कमर लगाना मैं आपको सबको सिखा ही चुकी हूँ, पहले आप वाली वीडियो पे आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो की लिस्ट खुल के, तो देखिए इस तरीके से मैंने ये वाला मल्टी कलर में बनाया है। बाकी आपने रेड कलर का भी देखा है, ये देखिए रेड वाइट भी बनाया था। आपकी अपनी मर्जी है, कलर कोई से ले सकते हैं, किसी कलर का, जैसे रेड येल्लो पिंक वाइट येल्लो पिंक, कुछ भी कलर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कलर बना सकते हैं। बाकी आप मुझे